सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी कहानियां भी हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। महाभारत की आदि पर्व में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो अपने माता पिता के परस्पर मिलन से नहीं बल्कि एक विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे, जिसे आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्हें उनकी माता गांधारी ने घड़ों में मांस के टुकड़े को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। यह कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। एक शाम भारद्वाज गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उसके शरीर से शुक्राणु निकले, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य ने भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनकी सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग ली और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।